यात्रीगण कृपया ध्यान दें, जिस बस में आप सफर कर रहे हैं उस बस का किराया आज से बढ़ गया है। जी हाँ, अच्छे दिनों का सपना दिखाने वाले आपको रुलाने वाले हैं। इन पे भरोसा जरा सा भी ना करें। उत्तर प्रदेश में रोडवेज बसों में सफर करने पर यात्री को अब ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। बसों का किराया 25 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ा दिया गया है। ये नई शुल्क सोमवार रात से लागू कर दी गई है। इनमें रोडवेज को सालाना 30 करोड़ रुपए का मुनाफा होगा। इस बात को राज्य परिवहन प्राधिकरण के अध्यक्ष एल वेंकटेश्वर लू की ओर से सोमवार शाम को आदेश जारी कर दिया गया है। दरअसल बीती 30 जनवरी को राज्य परिवहन प्राधिकरण एसटीए की बैठक हुई थी, जिसमें रोडवेज बसों और ऑटो के किराए संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है। परिवहन निगम की ओर से साधारण बसों में 25 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से किराया बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया था, जिसे मंजूर कर लिया गया है। वहीं सोमवार को आदेश जारी कर बढ़ाया हुआ किराया लागू कर दिया गया है। नया किराया लागू होने पर 25 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से किराया बढ़ गया है। प्रति किलोमीटर दर पहले 1.5 पैसे थी, जबकि अब ये प्रति किलोमीटर दर बढ़कर 1.30 पैसे कर दी गई है। लखनऊ से सीतापुर, लखीमपुर, दिल्ली, गोरखपुर आदि शहरों के लिए सफर करने वाले पैसेंजरों को अब ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। अब आप ये भी जान लीजिए कि रोडवेज की इससे सालाना कितनी आय बढ़ेगी। रोडवेज बसों में रोजाना 14 लाख यात्री सफर करते हैं। ऐसे में 25 पैसे प्रति किलोमीटर किराया बढ़ने से रोडवेज की आय में प्रतिमाह करीब 2.5 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी। ये सालाना 30 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी। इससे बसों का मेंटेनेंस किया जा सकेगा तथा अधिकारियों कर्मचारियों का वेतन भी समय पर मिल सकेगा। किराया बढ़ाए जाने पर दलील क्या दी गई? परिवहन निगम MD संजय कुमार ने किराया बढ़ाने के पीछे ये दलील दी है कि डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि होने से बसों का संचालन मुश्किल हो रहा है। अब किराया बढ़ाने से बसों को बेहतर मेंटेनेंस आसानी से हो सकेगी, यात्री सुविधाओं में वृद्धि की जा सकेगी तथा नई बसों की खरीदारी कर बेड़े को बढ़ाया जा सकेगा। इतना ही नहीं, स्वयं के संसाधनों से निगम को 3000 बसों की खरीदी करती है। कार्यशालाओं को भी नई तकनीकी की बसों के रखरखाव के लिए अपग्रेड करने व उपकरणों की खरीदी करनी है।